हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टॉप नाइन्टी क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो इस टॉपिक से फ्रेंड्स डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तो देखिए जो भी स्कीम होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाता है किसने इसे लॉन्च किया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं और अगर फ्रेंड्स कोई भी स्कीम का फुल फॉर्म है तो वो भी पूछा जाता है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो ये कम्प्लीट वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स हम ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है टॉप नाइन टी एमसी आपको देखने को मिलेंगे सारे स्कीम्स हम यहाँ पे कवर करेंगे 2014 से लेकर 2024 तक तो कंप्लीटली अपडेटेड वीडियो है फ्रेंड्स ये सेप्टेंबर टू तक पूरे वीडियो के अंदर बने रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव पेरेंट्स द एबिलिटी टू इवेस्ट इन अ पेंशन अकाउंट एज अ वे टू सेव फॉर देर चिल्ड्रन्स फ्यूचर तो यहाँ पे फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने के तरीके के रूप में पेंशन खाते में निवेश करने की क्षमता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है तो यहाँ पे फ्रेंड्स चिल्ड्रन जो होते हैं उनके फ्यूचर के लिए पेरेंट्स अब यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए एक पेंशन अकाउंट बना सकते हैं तो ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च की है और इस स्कीम का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन पी ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसको लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारामन जी के द्वारा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं देखिए बात करें इसके बारे में तो एन पी वात्सल्या जो है ये एक एक्सटेंशन है एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम का इसको मैनेज किया जा रहा है बाई पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पी एफ आर डी ए द स्कीम विल बी फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन एंड द इन्वेस्टमेंट मेड इन द अकाउंट विल बी विल बी टू इश्योर लॉन्ग टर्म वेल्थ राइट नेक्स्ट पॉइंट देखिए अंडर द स्कीम पेरेंट्स कैन स्टार्ट सेविंग फॉर दिल्ड्रंस रिटायरमेंट फंड तो पे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के रिटायरमेंट फंड के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस टू वन लाख ऑन्ट्रप्रनॉर्स फ्रॉम डिसएडवाटेज कम्युनिटीज तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों के उन्थान और वंचित समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है सूरज पोर्टल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है पीएम सूरज फुल फॉर्म देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है मार्च 2024 में नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है यह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो भी फुल फॉर्म होता है वो इसके अलावा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसको कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है और साथ में कभी से स्टार्ट किया गया है ठीक है और भी अगर कुछ डिटेल में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ओके नेक्स्ट विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरशिप इन फ्लाइटली अमॉन्ग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया तो यहाँ पे शुरू किया गया है स्पर्श योजना जो कि है दीनदयाल स्पर्श योजना स्कॉलरशिप इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया अगस्त 2024 में और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है ये इसे हैंडल कर रहा है नेक्स्ट विद सेविंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट विद द इंटेंशन टू बेनिफिट द गर्ल चाइल्ड तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है आपको पूछा जा रहा है सेविंग स्कीम कौन सी यहाँ पे लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू बेनिफिट द गर्ल चाइल्ड तो यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू किया गया है देखिए सुकन्या समृद्धि योजना राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो ये एक सेविंग स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है जनवरी 2015 में और फ्रेंड्स नोडल मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एज पर बजट टू थाउजेंड तो हाल ही में फ्रेंड्स जुलाई में जो है यहाँ पे यूनियन बजट आया है टू थाउजेंड फाइनेंशियल ईयर का तो यहाँ पे जो एक स्कीम लॉन्च की गई जहाँ पे बात की गई है कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन की तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं हम आगे इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस स्कीम का जो नाम है ये हो जाएगा पूर्वोदय स्कीम तो देखिए बात करें इस स्कीम के बारे में द पूर्वोदय स्कीम इज़ अ प्लान फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया ठीक है ईस्टर्न रीजन जो है उसके डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई है ये यूनियन बजट 2024-25 में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया द स्कीम विल फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टेट्स ऑफ ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कौन कौन से स्टेट आते हैं इस पूर्वोदय स्कीम में बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये यह जो सारे स्टेट्स हैं फाइव स्टेट्स इनके नाम को ध्यान से याद रखना है ठीक है अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई पी एम नरेंद्र मोदी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर विद एम ऑफ डेवलपिंग द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ साइंसेज तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी विज्ञान देखिए इसके बारे में फ्रेंड्स इसे इनग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज बीन लॉन्च टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वल्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तो कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीएम जनमन योजना तो पीएम जनमन इसका फुल फॉर्म क्या है ये देख लीजिए फ्रेंड्स जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ठीक है इसको लॉन्च किया गया नवंबर 2023 में नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नेक्स्ट विथ स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू डेवलप इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो अभी आपने देखा था फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई थी ईस्टर्न रीजन की ठीक है अब यहाँ पे बात की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट की तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो स्कीम लॉन्च किया गया है इसका नाम है उन्नति योजना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए बात करें उन्नति स्कीम के बारे में इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम इसको स्टार्ट किया गया मार्च 2024 में और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ओके आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेब 2024 थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रोवाइड थ्री हंड्रेड यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू वन करोर हाउस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में फेबरवरी टू में ना एक स्कीम लॉन्च किया गया है जहाँ पर क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया है कि एक करोड़ घरों को प्रति माह जो है तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध की जाएगी ठीक है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स इस स्कीम का जो नेम है यह है पी सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट right आंसर है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम इसको इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और लॉन्च किया गया है इसे कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सितंबर 2024 टू असिस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फॉर प्रोक्योरिंग एंड ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक बसेस अंडर द पीपीपी मॉडल तो मॉडल पे सितंबर 2024 में पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की यहाँ पे शुरू किया गया फ्रेंड्स पी ई बस सेवा योजना आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई पी एम नरेंद्र मोदी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग इंडियाज कोस्ट लाइन तो फ्रेंड्स ये स्कीम भी यहाँ पर बजट में अनाउंस की गई थी ये टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के बजट में अनाउंस की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए दो हज़ार तेईस में किस योजना को शुरू किया फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू किया गया था मिस्टी स्कीम इसका फुल, फुल फॉर्म देख लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ प्र� व्यू से यह मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैचबल इनकम्स लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब फिफ्थ जून 2023 को फ्रेंड्स ध्यान रखिए फिफ्थ जून जो होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है और इसी दिन स्कीम को जो है लॉन्च किया गया 2023 में अगला क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंशन टू वन ऑफ द फ्लैगशिप अर्बन डेवलपमेंट स्कीम स्मार्ट सिटी मिशन अंटिल तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक फ्लैगशिप अर्बन डेवलपमेंट स्कीम है जो की है स्मार्ट सिटी मिशन इसको कितने दिन तक यहाँ पे अब यहाँ पे इसे एक्सटेंड किया गया फ्रेंड्स इसे जो है यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है थर्टी मार्च टू तक तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट right आंसर है देखिए इसके बारे में फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया था पी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ है यह जून ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड फिफ्टी में और देखिए दस विजनरी प्रोजेक्ट प्रोजेक, प्रोजेक, एम्स तो टू रिवोल्यूशनइज़ अर्बन लिविंग इन इंडिया बाई फोकसिंग ऑन थ्री की एरियाज तो यहाँ पे तीन की एरियाज की यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है देखिए प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका पहला यहाँ पे ये एम है नेक्स्ट देखिए सेकेंड की एरिया है क्रिएटिंग अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट और थर्ड एंश्योरिंग अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन्श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राशन टू एवरी सिटीजन ड्यू टू कोरोना वायरस तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में किस योजना को शुरू किया फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे देखिए अंडर दिस स्कीम द सेंटर प्रोवाइड्स फाइव के ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स पर मंथ टू द पुअर तो प्रति माह जो है फ्रेंड्स पाँच किलो मुफ्त अनाज जो है उपलब्ध किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा पुअर को इन नवंबर 2023, the central government द सेंट्रल to हैज़ of टू एक्सटेंशन ऑफ दिस स्कीम टिल दिसंबर important point. Friends, extension वेरी वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट पॉइंट फ्रेंड्स एक्सटेंशन डेट जो होता है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी आपने देखा स्मार्ट सिटी मिशन जिसे एक्सटेंड किया गया है इसके साथ यहाँ पे आपने देखा ये वाला स्कीम दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड हुआ है तो आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है अगला क्वेश्चन विद स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड इजी लोन्स टू स्मॉल एंटरप्राइजेस तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया गया फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है पीएम मुद्रा स्कीम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट री एजेंसी इसको लॉन्च किया गया एट्थ अप्रैल टू को और फ्रेंड्स यहाँ पर मुद्रा स्कीम के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं शिशु किशोर एंड तरुण तो शिशु के अंदर जो है लोन्स दिया जाता है फ्रेंड्स फिफ्टी तक का फिफ्टी थाउजेंड से फाइव लाख तक का लोन दिया जाता है किशोर वाले कैटेगरी में और तरुण कैटेगरी में लोन्स दिया जाता है बिटवीन फाइव टू टेन लाख और फ्रेंड्स इस साल का जो बजट था यहाँ पे एक न्यू अनाउंसमेंट की गई है मुद्रा स्कीम को लेकर उसके बारे में देख लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम बजट टू द लिमिट ऑफ द मुद्रा लोन इज इन्हेंस्ड टू ट्वेंटी लैख फ्रॉम द करेंट टेन लैक अंडर द तरुण कैटेगरी फॉर दोज एंटरप्रनोर्स हु हैव सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स अंडर द सेम कैटेगरी तो अभी आपने देखा यहाँ पे तीन कैटेगरी है तो ये जो तरुण वाला कैटेगरी है फ्रेंड्स अगर किसी ने इसमें ऑलरेडी लोन लिया है और उसे उन्होंने अच्छे से चुका दिया है तो उनको जो है यहाँ पे एक्सटेंशन मिला है उन्हें अब जो है ट्वेंटी लैक्स तक का लोन इस तरुण कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाएगा तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिए ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी लोन लेके उसे चुकाया हुआ है राइट अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर क्लीनिंग द सुअर एंड सेप्टिक टैंक्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है नमस्ते स्कीम देखिए नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मेकनाइज सैनिटेशन इको फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया जॉइंटली बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ये लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स अगस्त 2022 में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विस्थ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द ईयर 2023 फॉर माइनर्स हु आर विक्टिम्स ऑफ रेप तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया है फ्रेंड्स मिशन बात्सल्य स्कीम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसके बारे में फ्रेंड्स इन द ईयर टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड थ्री स्कीम्स इन द ईयर टू थाउजेंड वर मर्ज इंटू सिंगल स्कीम विच वॉज नोन एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 2009 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है मिनिस्ट्री इन्होंने तीन स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था बट इन्होंने 2010 में जो है इसे अगेन जो है मर्ज कर दिया ठीक है और मर्ज करने के बाद इसका एक कंप्लीट नेम रखा गया सिंगल नेम जो कि था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा इट वॉज री नेम्ड एज चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम इन द ईयर टू थाउजेंड सेवनटीन एंड देन नेम्ड मिशन वात्सल इयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तो यहाँ पे देखिए आपको सारे ईयर्स याद रखने टू थाउजेंड नाइन में ये लॉन्च हुआ फिर 2010 में फ्रेंड्स इसका नेम चेंज किया गया और इसे रखा गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम नेक्स्ट फ्रेंड्स या पे 2017 में अगेन इसे रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम एंड देन 2021 में इसका नेम रखा गया है मिशन वात्सल्या आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट देखिए विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन दियर टू थाउजेंड टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है पीएम उषा अभियान इसका फुल फॉर्म क्या है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान इसका लॉन्च देखिए इन जून टू द रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज़ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान तो फ्रेंड्स जून में जो है इसका नाम को रीनेम किया गया है नेक्स्ट विच छलान इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है माई बिल माई राइट्स प्लान तो देखिए इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को ऑब्जेक्टिव क्या है टू मोटिवेट मोर एंड मोर पीपल टू टेक जी एस टी बिल्स दिस स्कीम विल ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव सो दैट द गवर्नमेंट कैन क्रैक डाउन ऑन टैक्स इवेसन तो यहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जी एस टी बिल लेने के लिए प्रेरित करना सरकार टैक्स चोरी पर नकेल कस पाए इसलिए भी यह योजना काफ़ी कारगर साबित होगी आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 टू तो प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर तो यहाँ पे फ्रेंड्स केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं उनका यूज़ कम किया जाए और उसके जगह पे कोई अच्छा यहाँ पे अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम को लॉन्च किया है तो यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है पीएम प्रणाम स्कीम फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर इसको लॉन्च बाय सेंट्रल 2023 टू मेक टू वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड दो करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्कीम शुरू किया गया है इसका नाम है लखपति दीदी स्कीम तो इसको लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ये आता है फ्रेंड्स अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इसे लॉन्च किया गया था फिफ्टीन अगस्त टू को इंडिपेंडेंस डे के दिन रेड फोर्ट में अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन टू फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया तो यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू किया गया है अमृत धरोहर योजना तो इसका जो यहाँ पे ड्यूरेशन है ये है फ्रेंड्स अप टू नेक्स्ट थ्री इयर्स लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कि फिफ्थ जून टू था तब आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन टू फॉर ट्रेडिशनल आर्टिस एंड क्राफ्ट्समैन यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किच योजना को शुरू किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिसन्स और क्राफ्ट्समैन के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया है ये है पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये क्वेश्चन को फ्रेंड्स डबल स्टार कर लीजिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आपके आएगा और देखिए इसके बारे में इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ विश्वकर्मा जयंती जो मनाया जाता है सेवनटीन सेप्टेम्बर को टू में फ्रेंड्स से लॉन्च किया गया है फ्रॉम न्यू डेली

कि दक्षता बढ़ाने तथा तो, टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए 2024 में किस पहल का शुभारंभ किया है फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है वन व्हीकल वन फास्टैग तो इसको जो है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया जैन टू में ऑब्जेक्टिव देखिए द वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशियेटिव एम्स टू डिस्करेज यूजर बिहेवियर ऑफ़ यूजिंग अ सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल्स और एडिंग मल्टीपल फास्टैग फॉर अ पर्टिकुलर व्हीकल फ्रेंड्स yeah, एक ही फास्ट टैग को जो है डिफरेंट व्हीकल्स में यूज करना या फिर देखिए मल्टीपल फास्ट टैग्स को यहाँ पे एक ही जो व्हीकल है उसमें यूज करना इन सब को रोकने के लिए डिस्करेज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज हैज लॉन्च बाई पी एम श्री नरेंद्र मोदी इन टू विद द एम ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन रूफ इन वन क्रोर होम्स तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक करोड़ घरों में छतों पर सोलर सौर

सात राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है तो यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है पीएम एम मित्रा स्कीम फुल फॉर्म क्या है इसका यह है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स और लॉन्च किया गया सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस स्कीम के अंतर्गत जो है ना सेवन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कस को बनाया जाएगा सेवन स्टेट में कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु तेलंगाना मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी तो अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दो हजार चौबीस में किस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्कीम लॉन्च की गई है यह है श्रेष्ठा स्कीम फुल फॉर्म क्या है श्रेष्ठा का देखिए स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा और ये लॉन्च किया गया था जून थ्री टू ट्वेंटी टू को अगला क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च विच प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ ऑफ इंडिया ऑन राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन अक्टूबर थर्टी फर्स्ट करेक्ट आंसर है मेरा युवा भारत तो इसको फ्रेंड्स कर्तव्य पथ में जो है वहाँ से लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31st अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत है क्या देखिए फ्रेंड्स ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विच विल गिव द यूथ अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू फुलफिल दियर टैलेंट एंड दियर ड्रीम्स सो दैट दे कैन प्ले अ लीडिंग रोल इन बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया राइट नेक्स्ट विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दो हजार तेईस में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है और लॉन्च किया गया है फर्स्ट अप्रैल टू को फ्रेंड्स ये इस दिन स्टार्ट हुआ है ओके okay? और ऑब्जेक्टिव क्या है इन दिस स्कीम एनी इंडियन वुमेन और गर्ल कैन ओपन हर अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एंड गेट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और अ मैक्सिमम ऑफ थाउजेंड टू यहाँ पे मिनिमम कर लीजिए मिनिमम ऑफ थाउजेंड एंड टू मैक्सिमम ऑफ टू लैख तो कोई भी इंडियन वुमेन या फिर गर्ल जो है यहाँ पे फ्रेंड्स अपना अकाउंट ओपन करके पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड इंटरेस्ट ले सकते हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का यहाँ पे मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करने का जो है ये है थाउजेंड रुपीज़ और मैक्सिमम कितना है ये है टू लैख अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर टू टू डेवलप एंड अपग्रेड स्कूल्स राइट आंसर पी श्री स्कूल स्कीम फुल फॉर्म है इसका पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और लॉन्च किया गया फ्रेंड्स से 5th 2022 को अगला क्वेश्चन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेब्रवरी टू थाउजेंड नाइनटीन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया है यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना और लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कब 24 फरवरी 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से देखिए फ्रेंड्स पीएम किसान निधि जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है लॉन्च किया गया दिसंबर 2018 में टू तो सपोर्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज सिक्स राइट right? अगला क्वेश्चन विथ इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाई पी मोदी ऑन जून टू तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो इंस्टॉलमेंट है जो दिया गया है अभी राइट right आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सेवनटीन तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं खास करके जैसे कि नाबार्ड होता है ठीक है नाबार्ड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप स्टार्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट विथ स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर टू थाउजेंड फोटीन फॉर द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर दो में किस योजना को शुरू किया है तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो शुरू किया गया है स्कीम वो है संसद आदर्श ग्राम योजना देखिए जयपुर जो कि बनारस इज द फर्स्ट विलेज अडॉप्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर द संसद आदर्श विलेज इट वाज लॉन्च ऑन इलेवंथ अक्टूबर 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण ओके आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल द स्कूल स्टडी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए टू थाउजेंड ट्वेंटी में जब कोविड था उस टाइम पर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया था आपको उसका नाम बताना है तो इस स्कीम का जो नाम है ये है फ्रेंड्स पी एम ई विद्या स्कीम इसको लॉन्च किया गया एटीनथ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी को बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ऑब्जेक्टिव क्या था पी एम ई विद्या योजना वॉज लॉन्च्ड अंडर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म विद द एम टू सेव गार्ड चिल्ड्रंस एजुकेशन ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कोविड 19 पैंडमिक के दौरान जो बच्चों की स्टडीज़ है वो अफेक्ट ना हो इसके लिए यहाँ पे पी ई विद्या योजना को शुरू किया गया अगला क्वेश्चन विद स्कीम वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन मई 2015 थाउजेंड फिफ्टीन टू प्रोवाइड एल बल्ब्स टू अफोर्डेबल रेट्स इन अफोर्डेबल रेट्स इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया तो एल ई बल्ब जो होती हैं उनको एफोर्डेबल रेट्स पर रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाए ये स्कीम है फ्रेंड्स पी उजाला स्कीम इसका फुल फॉर्म देख लीजिए उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एल फॉर ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन विद स्कीम वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2021 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द यंग सिटीजन ऑफ इंडिया जहाँ पे जो युवा है ना युवा नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त टू में कौन सा स्कीम लॉन्च किया है फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ठीक है जानते हैं इसके बारे में डिटेल में लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ सेवेंटी फिफ्थ रिपब्बलिक डे जो कि था फिफ्टी अगस्त टू को और इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए टू इंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट फोर ईयर्स विद द फोकस ऑफ एक्सपीडियटिंग वर्क एट द ग्राउंड लेवल रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विद स्कीम रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है पी एम कुसुम स्कीम फुल फॉर्म देख लीजिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री अगर आपसे पूछी जाए तो ये है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी फ्रेंड्स इसको जो है एक्सटेंड किया गया है मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स तक अगला क्वेश्चन देखिएगा विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई पी एम नरेंद्र मोदी इन जैन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी ऑन एल पी जी डायरेक्टली टू द अकाउंट्स ऑफ पीपल तो यहाँ पे फ्रेंड्स रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के जो पैसे होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुँच जाएंगे इसके लिए 2015 में एक स्कीम लॉन्च किया गया था और ये स्कीम का आपको नाम बताना है तो इसका नाम है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री पहल योजना नेक्स्ट विथ स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू ट्रेन यंग राइटर्स ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री युवा स्कीम फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स और फ्रेंड्स युवा 2.0 स्कीम को लॉन्च किया गया अक्टूबर 2022 को नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिसंबर 2019 थाउजेंड टू इम्प्रूव इंडियाज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट तो इंडिया के ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स स्कीम वो है अटल भूजल योजना फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पी के वेबसाइट के बारे में फ्रेंड्स ये है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्लू डॉट रवि बुक्स पी डी डॉट कॉम फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की जी के एंड करंट अफेयर्स की जो पी डी एफ्स हैं ना हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक फ्रेंड्स यहाँ परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं आपको यहाँ पर देखिए ईयरली पी डी एफ मंथली पी डी एफ़ या फिर लास्ट एट मंथ्स का अगर आपको करंट अफेयर्स का पी डी एफ चाहिए तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो कोई भी ई बुक अगर आप परचेस करना चाहें आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट करिए ऑल राइट right. टॉपिक पर वापस आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए बिस् स्कीम वॉज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2017 फॉर वेलफेयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन तो यहाँ पे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये स्कीम आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और फ्रेंड्स इस स्कीम का जो ओल्ड नेम है यह है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नेक्स्ट विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन द ईयर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू मेक वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज सेल्फ रिलायंट तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है यहाँ पे शुरू किया गया न्यू सरनेमा स्कीम नेक्स्ट which स्कीम was announced by सेंट्रल गवर्नमेंट इन the यूनियन बजट 2021-22 to benefit the टू बेनिफिट द फार्मर्स तो किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया गया था फ्रेंड्स पीएम कृषि उड़ान स्कीम अगला क्वेश्चन देखिए विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन नवम्बर टू टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडियाज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया गया था उदय स्कीम को फुल फॉर्म देख लीजिए यह है डिस्कॉम एश्योरेंस योजना फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज अनाउंस टू लॉन्च विद स्कीम इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यहाँ पे फ्रेंड्स व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू किया गया पीएम किसान भाई योजना देखिए इसके बारे में तो फ्रेंड्स इसका फुल नेम जो है ये है पीएम किसान स्टोरेज इंसेंटिव स्कीम इसका ऑब्जेक्टिव है एज सुन एज द स्कीम स्टार्ट फार्मर कैन स्टोर दियर क्रॉप फॉर एटलीस्ट थ्री मंथ्स आफ्टर हार्वेस्टिंग तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद जो फार्मर्स हैं उसे तीन महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं ये स्कीम के अंदर बताया गया है और यहाँ पे पायलट बेसिस पे फ्रेंड्स इस स्कीम को लॉन्च किया गया सेवन स्टेट्स में कौन कौन से वो स्टेट हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश असम उत्तर प्रदेश राजस्थान एंड तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन टू टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज यहाँ पे लॉन्च किया गया नया सवेरा स्कीम यह आता है फ्रेंड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑब्जेक्टिव देखिए द स्कीम एम्स टू एम्पावर स्टूडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है सिख जैन मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट एंड पारसी इन स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे एम्पावर किया जाए और उनको प्रिपेयर किया जाए फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सो एज़ टू इम्प्रूव दियर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स इसके लिए यहाँ पे स्कीम को लॉन्च किया गया आपका अगला क्वेश्चन विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टेक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस बॉर्डर चाइना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने चीन सीमा पर लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 तो में किस कार्यक्रम को शुरू किया है तो यहाँ पे फ्रेंड्स वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसे शुरू किया गया इसको लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ठीक है कहाँ पर किबीतू कीबितू अरुणाचल प्रदेश में कब लॉन्च किया गया फिफ्टीन फेब्रवरी टू को नेक्स्ट रहेगा विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जैन टू विद एन एम टू इम्प्रूव वेलफेयर सर्विसेज फॉर गर्ल्स तो लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी दो हज़ार पंद्रह में किस योजना को शुरू किया यहाँ पर शुरू किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बाई पी एम नरेंद्र मोदी लॉन्च किया गया है ट्वेंटी सेकेंड जैन टू थाउजेंड फिफ्टीन को अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एटीन टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज टू इकोनॉमिकली वीकर पीपल इन इंडिया भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर में कौन सी योजना को शुरू किया तो यहाँ पे शुरू गया किया गया है फ्रेंड्स आयुष्मान भारत योजना इसको लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ है ये सेप्टेम्बर ट्वेंटी थ्री से और फ्रेंड्स इससे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाता है अप टू फाइव लैख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टेरेशरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है इस स्कीम से रिलेटेड द यूनियन कैबिनेट टू का ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड बाय अप्रूविंग द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू बी एक्सपेंडेड फर्दर टू ऑल सीनियर सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ इनकम हुआ सेवेंटी ईयर्स ऑफ एज और होल्डर विल बी कवर्ड बाई हेल्थ इंश्योरेंस अंडर दिस डिसीजन तो सेवेंटी प्लस जितने भी लोग हैं उनकी जो भी इनकम कैटेगरी हो यहाँ पे उसे कोई रिलेशन नहीं है सेवेंटी प्लस लोग यहाँ पे सारे कवर होंगे ये यह यहाँ पे जो है न्यूली ऐड किया गया है स्कीम में तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट विच लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन फैक्ट टू फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स करेक्ट आंसर स्माइल स्कीम फुल फॉर्म क्या है इसका ये है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे लॉन्च किया गया है अग्निपथ अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्कीम लॉन्च हुआ है 14 जून 2022 को कैंडिडेट्स बिटवीन 17.5 पॉइंट फाइव ईयर्स टू ट्वेंटी थ्री ईयर्स विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अग्निपथ दो सेलेक्टेड फॉर अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम विल भी नेम्ड अग्निवीर तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी सेवेंटीन पॉइंट फाइव से लेके ट्वेंटी थ्री ईयर्स के बीच के बच्चे हैं कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेंड्स जो भी इसमें सेलेक्ट होता है इन्हें जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त टू थाउजेंड फोर्टीन विद द गोल ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफ़ी सारे एग्जाम में आया है इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना इसको लॉन्च किया गया फिफ्टीन अगस्त टू को बाई पी नरेंद्र मोदी तो यहाँ पे इसे अनाउंस किया गया था फिफ्टीन अगस्त 2014 को और लॉन्च किया गया है इसे ट्वेंटी एट ऑगस्ट टू को स्कीम आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस और इस स्कीम का स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता आपका अगला क्वेश्चन विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2014 थाउजेंड फोर्टीन टू एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डिफिकेशन इन इंडिया राइट आंसर है स्वच्छ भारत अभियान इसको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था स्टार्ट हुआ है ये अक्टूबर सेकेंड टू से ऑन द दन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी स्लोगन था यहाँ पे इस कैंपेन का वन स्टेप स्वच्छ था आपका अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून टू थाउजेंड फिफ्टीन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो समाज के कमजोर वर्गों की किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून दो हजार पंद्रह में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया गया है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना को तो इसको लॉन्च किया गया ट्वेंटी फॉर ऑल इनिशिएटिव और ये स्कीम आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देखिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का एवरी फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन शुड हैव इट्स ओन हाउस सो दैट हैव टू टेक और रेंट आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन देखिए विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड ईजी फॉर कॉमन पीपल तो आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की यहाँ पे शुरू किया गया है फ्रेंड्स उड़ान स्कीम को इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक और ये स्कीम आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नेक्स्ट विथ स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अक्टूबर टू 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 प्रीवेंट थे ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स तो केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अक्टूबर दो हज़ार बाईस में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया गया वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम नेक्स्ट विच स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पॉटर्स राइट आंसर स्पिन स्कीम इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया और लॉन्च किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा नेक्स्ट विथ स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया राइट आंसर है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना नेक्स्ट विथ स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्रोवाइड लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स तो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए पी एम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया है और देखिए ये स्कीम आता है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है पी एम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि अगला क्वेश्चन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो टू मेक इंडिया एन एक्सीलेंट डेस्टिनेशन फॉर फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स राइट आंसर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फ्रेंड्स ये स्कीम आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी और इस स्कीम का मोटो right है फ्रेंड्स इंप्रूवमेंट डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन फिशरी सेक्टर नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून टू थाउजेंड फिफ्टीन टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड राइट आंसर अमृत योजना फुल फॉर्म क्या है इसका यह है अटल मिशन फॉर रेजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल तो जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त दो हजार बाईस में किस योजना को शुरू किया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू किया गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू चिल्ड्रन फॉर ऑल ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

टू एवरी रूरल हाउस होल्ड अंडर हर घर जल योजना राइट right आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू इम्प्रूव टू एम्पावर सीनियर सिटीजन करेक्ट आंसर अटल वयो अभुध्या योजना देखिए फ्रेंड्स इस स्कीम को जो है पहले जाना जाता था एज नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन और देखिए इसे जो है रीनेम किया गया है एज अटल वयो अबुध्या योजना अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू मेक पीपल अबाउ फिफ्टीन ईयर ऑफ एज लिटरेट करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन द दर टू थाउजेंड लिटरेट ऑफ द स्टेट अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज बिन लॉन्च बाई यूनियन गवर्नमेंट इन सेप्टेंबर टू थाउजेंड फोर्टीन टू डेवलप इंडिया एज मैन्युफैक्चरिंग हब करेक्ट आंसर मेक इन इंडिया और ये स्कीम आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अगला क्वेश्चन रहेगा विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ चिल्ड्रन और फंड आफ्टर कोरोना पैंडमिक कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई दो हजार इक्कीस में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया गया है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2019 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू एल्डरली फार्मर्स इन इंडिया करेक्ट आंसर पीएम किसान मंथन योजना अगला क्वेश्चन रहेगा विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेबर 2022 फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स तो घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया है यहाँ पे सीड स्कीम को शुरू किया और फ्रेंड्स इस स्कीम का जो फुल यह है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी एन टीज देखिए चाइल्डिंग राइटिंग एंड एरेथमेटिक तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंग गणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने दो हजार इक्कीस में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे फ्रेंड्स निपुण योजना की शुरुआत की गई और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यमोरेसी अगला क्वेश्चन विथ्स स्कीम हैज बीन लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया करेक्ट आंसर रीच आउट स्कीम इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच देखिए अगला क्वेश्चन विथ्स नेशनल मिशन हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन 2023 टू आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज करेक्ट आंसर माहिर और इसका फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका विद स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस इन द ईयर टू टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अफेक्टेड बाई कोविड नाइन्टीन राइट आंसर विवाद से विश्वास स्कीम इसको जो है लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा और ये स्टार्ट कब हुआ है तो इसे प्रेजेंट किया गया था यूनियन बजट ऑफ फेबर 2020 में नेक्स्ट विथ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाई हेल्थ मिनिस्ट्री इन द ईयर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन मेडिसिन एंड मेटेक सेक्टर राइट आंसर प्रिप स्कीम और इसका फुल फॉर्म क्या है यह है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेटेक्स सेक्टर नेक्स्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विथ स्कीम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू रिवाइव द रूल इकोनॉमी एंड एमपावर एम एस एम ई एंटरप्राइजेस करेक्ट आंसर क्रेडिट गारंटी स्कीम तो देखिए इसको लॉन्च किया गया है माइनस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और साथ में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स 2023 में और इसका ड्यूरेशन फाइव इयर्स का है ऑब्जेक्टिव देख लीजिए टू रिवाइव रूरल इकोनॉमी एंड एमपावर एम एस ओके नेक्स्ट विद स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई इंडिया विथ ब्रिटेन टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस स्कीम का नाम है यंग प्रोफेशनल स्कीम तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए फ्रेंड्स इंडिया और यूके ने साथ में यहाँ पे यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च किया है ऑन द ओकेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस ऑन जैन नाइन्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस स्कीम के अंदर जो है फ्रेंड्स थ्री थाउजेंड डिग्री होल्डर सिटीजन जो होंगे बिटवीन द एज ऑफ एटीन टू थर्टी ये रह सकते हैं और वर्क कर सकते हैं एक दूसरे के कंट्रीज में ठीक है नेक्स्ट विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2023 टू प्रमोट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट करेक्ट आंसर नेशनल क्वांटम मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह इन द ईयर टू टू ट्रेन रूरल यूथ तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष दो में किस योजना को शुरू किया यहाँ पे शुरू किया गया कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम आगे बढ़ते हैं देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन विद स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल डंग यहाँ पे देखिए पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया शुरू किया गया फ्रेंड्स गोबरधन स्कीम को इसका फुल फॉर्म है गार्बनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज और देखिए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ़ द बजट ऑफ फर्स्ट फेबर टू थाउजेंड एटीन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ गोवर्धन स्कीम वॉज अनाउंसड तो टू थाउजेंड एटीन का जो बजट था फ्रेंड्स वहाँ पर इस स्कीम को अनाउंस किया गया था अगला रहेगा प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाई यूनियन गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाई पी नरेंद्र मोदी और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च किया गया फर्स्ट जुलाई 2015 को और मोटो है पावर टू एम्पावर अगला क्वेश्चन विद स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन बजट 2024 टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एंड स्ट्रेंथन द स्टोरेज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स तिलहन और दलहन के में आत्मनिर्भरता हासिल करने और उनके भंडारण उत्पादन और विपणन को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2024 में किस योजना की घोषणा की है फ्रेंड्स यहाँ पे घोषणा की गई आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान की नेक्स्ट विद स्कीम वॉज अनाउंस बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन बजट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम अभियान अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज अनाउस्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन जून टू थाउजेंड फोर्टीन टू एंड पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा तो यहाँ पे देखिए जून 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया था यहाँ पे शुरू किया गया था नमामे गंगे प्रोजेक्ट अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड एथलीट इन द एज ग्रुप नाइन टू एटीन ईयर्स एनरोल्ड इन स्कूल्स अक्रॉस कंट्रीज तो एथलीट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी टैलेंट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है कीर्ति स्कीम फुल फॉर्म क्या है कीर्ति का देखिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ये स्टार्ट हुआ है जून जुलाई 2024 से नोडल मिनिस्ट्री फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अगला क्वेश्चन विद स्कीम वॉज अनाउंसड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज बाई क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेशन स्कीम्स तो कौशल विकास और आय सृजन योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्कीम शुरू की गई है इसका नाम है अजय पीएम अजय इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभोदय योजना इसको स्टार्ट किया गया 2023 में और फ्रेंड्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अगला क्वेश्चन देखिएगा विद स्कीम वॉज अनाउंसड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू एम्पावर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री एंड बॉट इमेंस लॉरल्स टू द नेशन तो केंद्र सरकार ने देश के लिए खेलने वाले और राष्ट्र को अपार सम्मान दिलाने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्कीम लॉन्च की गई है ये है रीसेट राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए रिसेट का फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग ये स्टार्ट हुई अगस्त टू से नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स विद स्कीम वॉज अनाउंसड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दियर एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है यूपीएस को तो यहाँ पे देखिए यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये स्टार्ट हुआ या फिर लॉन्च हुआ है अगस्त 2024 में और ये इफेक्टिव होगा कब से अप्रैल फर्स्ट 2025 से फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए विच स्कीम वॉज अनाउंसड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहेंस स्पाइस एक्सपोर्ट्स एंड कैरेडमम प्रोडक्शन तो मसाला निर्यात और इलायची उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की घोषणा की है यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स स्कीम जिसका नाम है स्पाइस्ड फुल फॉर्म देख लीजिए यह है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव एंड इनोवेटिव और ये स्टार्ट हुआ है अगस्त 2024 को ओके okay, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके टॉप 90 एम सी क्यूज ओके यहाँ पे हमने जितने भी सितंबर 2024 तक जितने भी स्कीम्स थे उन सबको यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिया है अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाई सेंट्रल गवर्नमेंट

तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं ओके चलिए और साथ में मैंने पेड पी डी के वेबसाइट के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है ये है डब्ल्यू 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 डॉट रवि बुक्स पी डी डॉट कॉम यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रवि सर की जी के एंड करंट अफेयर्स की पी जो है ना हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ईयरली पी डी एफ़ आपको 2023 का जो कंप्लीट इंफॉमेसन है कंप्लीट करंट अफ़ेयर्स है ये मिल जाएगा आपको जुलाई का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा 2024 का जहाँ पे आपको देखिए 550 प्लस वन लाइनर एंड एम सी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए लास्ट एट मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा जैन टू अगस्त का तो ये सारे पी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इन्हें परचेज कर सकते हैं राइट चलिए तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे